अलवर शहर फूलबाग में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह ने जनसुनवाई में की, जिसमें जिले भर से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आमजन उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से वार्ता करते समय कहा कि राजस्थान सरकार में वापस रिपीट होने वाली है, जो काम है कल्याणकारी काम है और महंगाई राहत कैंप ही नहीं, बल्कि उन्होंने 5 साल में बहुत से काम किए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज रोड बनवाने हों या डिस्पेंसरी या PSC खुलने हों। इतने बड़े बड़े काम जो हुए हैं, वह हर वर्ग के लिए काम किया है। वह कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया है जनता के हित में किया है और जनता भी उनको चाहती है। कांग्रेस सरकार वापस आ रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। चुनाव की भी तैयारियां हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज पूरे जिले के ही लोग यहाँ पधारे हैं और खास तौर से अलवर जिले के अंदर बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे अलवर जिले के काफी जो मेहनती लोग हैं, उसमें हमारे बिजेंद्र जी चौधरी साहब भी यहाँ विराजमान हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर वो सचिव बने हैं और उनका एक बहुत बड़ा उनने काम किया है। भारत यात्री के रूप में उनने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मीना साहब कहाँ गए, वो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष भी अभी बने हैं, योगेश मीना जी, और उनको भी बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है। हमारे और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो अपने अलवर जिले के लोगों को एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर सब लोगों के अंदर बहुत खुशी है और आगामी जो चुनाव है, तो चुनाव के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार रिपीट होने वाली है। जो काम कल्याणकारी काम, जो सिर्फ महंगाई राहत कैंप नहीं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे स्कूलें बनी हैं, कॉलेज बने हैं, रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, डिस्पेंसरी खुली है, CHCs खुली है, PHCs खुली हैं, तो जो हर वर्ग के लिए जो काम करा है कांग्रेस सरकार ने, उसकी वजह से जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापस आए। खास तौर से हमारे कर्मचारी जो भाई हैं, उनके अंदर खास खुशी है कि जो एक बहुत पुरानी उनका एक हक जो था, वो अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया है OPS स्कीम जारी, वापस जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करने के लिए, और आपने देखा कि यहाँ जारी हुई और उल्टा भारत सरकार कहती है कि ये आप जारी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। कांग्रेस नहीं आएगी तो उनकी सबसे पहले जो तलवार चलेगी वो कर्मचारियों के ऊपर चलेगी। क्या फार्मूला अपनाया जाएगा? देखिए, टिकट तो आपके बिल्कुल सिस्टमेटिकली पूरा सर्वे के हिसाब से, पॉलिटिकल सर्वे भी होगा, प्रोफेशनल सर्वे भी होगा, दूसरे प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जो हमने सीखा है कर्नाटक चुनाव से, उसको राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। 1980 के बाद में आप ही अलवर शहर से 2 बार विधायक बने हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए मेरा, और ये तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, ये नहीं, कभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नहीं होता है कि हम खुद अपने आप को घोषित कर दें, ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टी तय करती है, वो होता है इसके अंदर। अब ये कहते हैं कि जितेंद्र के बाद में सिर्फ आप ही 2 बार रहे और वो भी लगातार रहे हैं, लोगों में उत्सुकता है वो अगर कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी को कमबैक करना है शहर में, तो भवर जितेंद्र सिंह पार्टी करेगा।